प्रधानमंत्री के परिवार से ताल्लुक रखती है ये एक्ट्रेस, कैंसर जैसी बीमारी को दे चुकी है मात। शाहरुख खान के साथ दिल से, सलमान खान के साथ खोमाशी और बॉबी देओल के साथ गुप्त जैसी फिल्में करने वाली मनीषा को इराला ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर से की थी। बेहतरीन अभिनय से मनीषा ने अपनी जगह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के बीच बनाई। 16 अगस्त 1970 को नेपाल में जन्मी मनीषा को इराला के दादा नेपाल के प्रधानमंत्री थे। मनीषा को इराला को साल 2012 में ओवेरियन कैंसर हुआ था। एक साल के इलाज के बाद वो इस गंभीर बीमारी से उबर पाई थी। मनीषा की शुरुआती पहचान एक नेपाली बॉलीवुड अभिनेत्री की रही। उन्होंने 1989 में नेपाली फिल्म से करियर शुरू किया। 90 के दशक में उन्होंने कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया। सलमान, शाहरुख, आमिर, गोविंदा, संजय दत्त के साथ वो फिल्मों में नजर आईं। एक दौर वो भी आया जब मनीषा को इराला का करियर ढलान पर आ गया। कहा जाता है कि इससे उबरने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया, लेकिन नशे ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया। मनीषा कोइराला ने 2010 में सम्राट दहल से शादी की। 2012 में उनका तलाक हो गया। इसी साल मनीषा को ओवेरियन कैंसर हो गया। एक साल के इलाज के बाद वो इस गंभीर बीमारी से उबर पाई। कैंसर से उबरने के बाद मनीषा कोइराला ने अपनी किताब हील लॉन्च की। किताब के जरिए उन्होंने अपनी आप बीती और संघर्ष की कहानी बताई। मनीषा कोइराला राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू में नजर आई थी। फिल्म में उन्होंने संजय दत्त की मां नरगिस का रोल निभाया था। फिल्म में नरगिस का किरदार छोटा था, लेकिन उनकी एक्टिंग की सभी ने तारीफ की थी।